हेलो एवरीवन, हमारा क्वेश्चन है राउंड अप द फॉलोइंग टू थ्री सिग्निफिकेंट फिगर। तीन सिग्निफिकेंट फिगर तक इसको राउंड अप करना है। तो पहला हमारा दिया हुआ 34.1216। तो देखो यहाँ पे पॉइंट के पहले जो है वो तो दो डिजिट लेंगे ही लेंगे, पॉइंट के बाद जो तीन डिजिट है उसमें से एक ही डिजिट को लेंगे, ठीक है। 216 है तो 2 के बाद अगर मान लो 5 से ज्यादा रहता है, मान लो 2 के बाद यहाँ पे अगर ये कुछ इस तरह से रहता 286, तो हम लोग इसको कम, चूंकि यहाँ पे 2 के बाद 5 से ज्यादा था तो इसको हम लोग 3 लेते, लेकिन यहाँ पे अगर 5 से कम होगा तो इसको 2 ही लिया जाएगा, तो ये 2 ही रहेगा, ठीक है। अब सेकंड सेकंड में हम लोग देखते हैं, ये है 10.4107। यहाँ पे भी 3 डिजिट तक करना है, तो पॉइंट के पहले वाला डिजिट चेंज नहीं होगा, पॉइंट के बाद वाला डिजिट में हम लोग देखेंगे 4 है, उसके बाद 1 है, 1 है, 5 से कम है तो ये 4 को चेंज नहीं होगा, ठीक है। थर्ड की अगर बात करते हैं तो 0.04597 है, तो ये यहाँ से कैसे चेंज करेगा, तो अगर हम लोग देखो 3 डिजिट तक लेना है हम लोग को, 3 डिजिट तक हो जाएगा 0.0, ठीक है। सिग्निफिकेंट डिजिट 3 होना चाहिए, तो सिग्निफिकेंट डिजिट पॉइंट पहले वाले का हम लोग नहीं छोड़ सकते हैं, पॉइंट के बाद 3 डिजिट होना जरूरी है, ठीक है, सिग्निफिकेंट फिगर तभी आएगा। तो 0 हो जाएगा, यहाँ पे 4 हो जाएगा, 4 के बाद देखो ये जो 5 है, 5 के बाद देखो 5 के बाद 9 है, तो 5 के बाद 9 है तो इसको 5 नहीं हम लोग 6 करेंगे, तो ये सिग्निफिकेंट डिजिट हो गया, पॉइंट के बाद 3 डिजिट जो है वो सिग्निफिकेंट डिजिट हो गया। चौथा अगर हम बात करें तो ये चौथा दिया हुआ 2808, तो यहाँ सिग्निफिकेंट डिजिट में हम लोग को इसको लिखना है, ठीक है, 3 डिजिट तक। तो 3 डिजिट अगर हम लोग को लिखना है तो आखिरी वाला जो डिजिट होता है हमारा, ठीक है, सिग्निफिकेंट में हम लोग को 3 ही डिजिट लेना है, तो 3 ही डिजिट को हम लोग कैसे राउंड ऑफ करेंगे, राउंड ऑफ करने के लिए हम लोग तीसरा डिजिट को देखते हैं, तीसरा डिजिट को हम लोग देखते हैं, तीसरे डिजिट के बाद वाले डिजिट को देखते हैं, अगर तीसरा डिजिट के बाद वाला डिजिट 5 से ज्यादा है तो उसको हम लोग 1+ ऐड कर देंगे इसमें, तो 280 में 1 ऐड कर देंगे, 1 हो जाएगा, ठीक है, ये 281 हो जाएगा। अगर वही अगर मान लो ये इसका चौथा डिजिट क्या हो जाएगा, 0, तो सिग्निफिकेंट डिजिट 3 ही तक माना जाएगा, क्योंकि इसके बाद जो रहेगा वो 0 का कोई वैल्यू नहीं होता है, इसको राउंड ऑफ इसी तरह से किया जा सकता है, ठीक है। सिग्निफिकेंट डिजिट जो होता है शुरू के ही 3 वर्ड को माने जाएंगे, ठीक है, ये 0 का कोई वैल्यू यहाँ पे नहीं है सिग्निफिकेंट डिजिट के लिए, ये हो जाएगा। अगर यहाँ पे 5 से कम रहता, सपोज कर लो यहाँ पे 28 2802 रहता, अगर कुछ इस तरह से रहता, तो हम लोग का यहाँ पे 0 के इस तरफ में देखते 5 से कम है तो इसमें कोई चेंजेस नहीं आता, और ये हो जाएगा 280, और बाद वाला भी डिजिट क्या होता है 0 में कन्वर्ट हो जाता है, ये 2800 हो जाता है, ठीक है। तो ये राउंड ऑफ अगर करते हैं तो ये 2810 हो जाएगा, ठीक है। आई होप ये क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे, दैट्स ऑल, थैंक यू।